तो ये है वीवो का T1 Pro 5G, जो कि काफी मस्त फोन है। T1 सीरीज काफी अमेजिंग सीरीज होने वाली इंडिया में। बॉक्स जैसा कि देख सकते हैं, ये है वीवो के T1 Pro की बड़ी सी बॉक्स। पीछे कुछ हाईलाइट मेंशन दिए इसी फोन के बारे में। चलिए फटाफट करते हैं हम लोग बॉक्स को ओपन, रखते हैं इसको साइड में। तो रखा है हमारा एक सेक्शन, उसके अंदर मिलता है हमें एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जो कि फोन की प्रोटेक्शन को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। एंड ये रखा है हमारा एक डिवाइस, बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही कलरफुल डिवाइस साथ ही फोन आता है। इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में क्या ही कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें मिलते हैं हमें 66 वॉट का फ्लैश चार्जर, जो कि आपको फोन को चार्ज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। एंड आपको टाइप सी चार्जर भी सपोर्ट देखने को मिलता है। गाइस अगर इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें, वीवो अपने डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा मस्त काम करता है। वीवो अपने डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में कभी भी कोई भी ब्रांड से आगे इसको नहीं निकलने देता। डिजाइन के मामले में भी या कोई भी चीज मामले में देखेंगे तो वीवो काफी ज्यादा आपको मस्त करेगा। इंडियन मार्केट में टी सीरीज की काफी ज्यादा डिमांड है। टी सीरीज की सेवा देखा जाए तो T1 का प्रो का भी लॉन्च किया गया है। राइट हैंड साइड फ्रेम की बात कीजिए, आपको मिलता है वॉल्यूम ब्लॉकर एंड पावर की। ऊपर के सरफेस में मिलते हैं आपको नॉइस कैंसिलिंग माइक, एक सिम इजेक्टर पिन एंड लेफ्ट साइड मिलता है आपको न्यूट एंड क्लीन लाइट। नीचे की बात करें तो नीचे मिलता है आपको टाइप सी चार्जर एंड स्पीकर भी। गाइस अगर मैं इसके स्पीकर की बात करूँ तो इसमें आपको लाउड स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप कोई भी गाना एंड कोई भी यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखेंगे तो काफी मजे सा आपको आनंद आने वाला है। तो गाइस अगर इसमें इसके एक मोटर की बात करें तो इसमें आपको जेड एक्सेस का लीनियर मोटर लगा, जो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आप एक गेमिंग मोड में जाएंगे तो आपको कोई भी गेम खेलने में आपको पीछे वाइब्रेशन सा फील होगा। इसमें आपको 4D वाइब्रेशन गेमिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है इस फोन में। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में देखा जाए तो वीवो काफी ज्यादा मस्त है इस T1 Pro में काम किया है। काफी मस्त मुझे डिजाइन लगा, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी मस्त है ये फोन है। एंड डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो इसमें आपको 6.44 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको HDR10+ का कंटेंट आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है 1080p रेवोल्यूशन के साथ। इसमें आपको 90Hz का डिस्प्ले के साथ और एक 1300 nits की ब्राइटनेस भी सपोर्ट देखने को मिलती है। AMOLED डिस्प्ले में जो भर भर के व्यू ने काम किए वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं। T1 Pro का ये मुझे मॉडल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ ये फोन आता है। काफी मस्त डिस्प्ले क्वालिटी को भी यूज किया गया, डिस्प्ले में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है वीवो की तरफ से। गाइस अगर इस फोन में परफॉर्मेंस और चिपसेट की बात की जाए, इसमें लगा आपको स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर लगा, जो कि आपको 6 नैनोमीटर पे प्रोसेसर है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है। गेमिंग पर्पज से अगर आपको ये नीड होगा फोन, या किसी भी फोन में आपको ये नीड होगा, गेमिंग हो गया, कैमरा हो गया, या किसी भी अदर नीड में होगा, तो ये फोन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्त खड़ा उतरेगा। इसमें आपको गेमिंग के साथ साथ बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आप इसमें 60fps पे फ्रेम रेट पे एंड हाई फ्रेम रेट पे आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे। इसमें आपको जो 4D वाइब्रेटरी मोटर लगा है वो काफी ज्यादा गेमिंग को काफी ज्यादा मस्त बना देगा। रैम के साथ साथ इसमें देखा जाए 6GB रैम 128GB रैम के साथ, इसमें आपको 2GB रैम वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, जो कि आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ ये फोन आता है। एंड UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि फोन को काफी ज्यादा फास्ट बना देगा। Android 12 के साथ ये फोन आता है एंड फंटस OS 12 का भी इसे सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के मामले में वीवो में इसमें कोई भी कमी नहीं की, प्रोसेसर भी काफी ज्यादा मस्त है इसमें यूज किया गया है। इसे कैमरा तक जैसा कैमरा देख सकते, कैमरा मॉड्यूल काफी ज्यादा मस्त है। कैमरा जो डिजाइन हुआ है वो बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया, काफी बड़ा सा स्पेस लेकर कैमरे को डिजाइन किया गया है। एंड जो कैमरे को लेयर के ऊपर एक लेयर जो जुड़ी है मुझे काफी ज्यादा अच्छी सी लग रही है। सर्कल में बड़े बड़े कैमरा डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैमरे की बात की जाए तो ट्रिपल कैमरा देखने का मिलता है, जो कि आपको AI सपोर्ट करता है। 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP कैमरा होने वाला है। फ्रंट में आपको 16 MP कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरे क्वालिटी में काफी ज्यादा मस्त सा काम किया है। अगर चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं, तो जैसा कि देखते हैं रियर कैमरा से जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, काफी ज्यादा मस्त देख सकते हैं। काफी ज्यादा जो लाइट है वो काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। एंड इसमें ढेर सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी एंड मोड भी काफी मस्त सा ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी में देखा जाए तो वीडियो क्वालिटी में आपको 1080p 60fps का भी सपोर्ट देखने को मिलता है इस डिवाइस में, जो कि आपको वीडियो क्वालिटी में काफी ज्यादा मस्त सा एक्सपीरियंस देगा। फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको AI का फेस लॉक देखने को मिलता है, जो कि आपको ब्यूटी मोड भी काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। इसमें आपको 60 MP साथ साथ इसमें आपको बहुत ढेर सारे मोड भी देखने को मिलते हैं। फ्रंट रिकॉर्डिंग में भी आपको 1080p 60fps का सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरे के हिसाब से देखा जाए तो वीवो अपने कैमरे के हिसाब से कोई भी ब्रांड को आगे नहीं निकलता है। वीवो हमेशा कैमरा डिजाइन मामले में बेस्ट होता है। अगर इस फोन में कनेक्टिविटी की बात की जाए, इसमें डुअल सिम 5G का सपोर्ट मिलता है। जी इसमें आप 4G और 5G दोनों का आनंद छाड़ से इन फ्यूचर 5G का आनंद इसमें बहुत ही अच्छे से उठा पाएंगे। प्लस इसमें आपको 2 GHz एंड 5 GHz का वाईफाई बैंड भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ में आपको ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। फोन की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा मस्त इसने काम किया है। फोन में काफी मस्त था पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बैटरी में देखा जाए तो आपको बैटरी 4700 की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बैटरी काफी ज्यादा बड़ा बैटरी है।
66 वाट का फास्ट चार्जर के साथ ये आपको अराउंड 18 मिनट में 50% फोन को चार्ज करके दे देगी, जो कि काफी ज्यादा तेज है। सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो इसको हमको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड AI का फेस लॉक देखने को मिलता है, जो कि आपको फोन को इंस्टा अनलॉक करने में काफी ज्यादा मदद करेगा और फोन की प्रोटेक्शन काफी ज्यादा सा इंप्रूव करेगा। प्राइस में देखा जाए तो गाइस प्राइस में आपको 23,999 रुपए का आता है, काफी मस्त प्राइस के साथ आता है। तो गाइस फाइनल रिपोर्ट अगर मेरी ओपिनियन की देखा जाए तो मेरी ओपिनियन में बहुत ही मस्त ये फोन है। अगर आपके कोई भी नीड होगी इसमें, आप अगर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए या आप एक डिस्प्ले अच्छा चाहिए या कैमरा अच्छा चाहिए या कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो इस फोन में आपको पूरे चीज़ भर भर के दिए हैं। कोई भी चीज़ में कहीं से भी कटौती मेरे को देखने को नहीं मिलती है। वीवो का T1 Pro 5G मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। प्राइस रेंज के हिसाब से प्राइस रेंज भी काफी ज्यादा मस्त था। प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर साथ एक बेटर कैमरा भी देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।